गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गोइंग वेल। नाउ आज के इस वीडियो में मैं आपको सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के कुछ एक पर्टिकुलर बेसिस पे डिटेल में बताऊंगी, और वो बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। नाउ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि तीन बेसिस पे डिवाइड कर दिए जाते हैं, टाइम पीरियड, ओनरशिप और जनरेशन। नाउ इस वीडियो में मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप को थोड़ी और डिटेल में एज अ डिफरेंशिएशन करके बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, हमें पता है दो तरह के फंड रेज होते हैं। पहला तो ओनर्स फंड कहलाता है और दूसरा बोरोड फंड कहलाता है। हमें पता है कि ओनर्स फंड क्या होता है, जो उसी कंपनी के ओनर का फंड होता है, मतलब वहां के मालिक का फंड होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, यानी शेयर कैपिटल से जो फंड आ रहा है और जो रिटेन्ड अर्निंग्स से फंड आ रहा है, वो ओनर्स फंड के अंडर आता है। अब ये रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है, मैंने आपको बताया था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, क्या कह सकते हैं, जब प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर दिया जाता है जमा करके, तो वो रिटेन्ड अर्निंग कहलाता है। माने जैसे एक बिजनेस का, एक फर्म का प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट किसका है, उसके मालिक का है। एट द एंड उसके मालिक ही उस प्रॉफिट को रखेंगे, बट क्या होता है, वो अपने पास प्रॉफिट न रख करके उसको कंपनी के ही फंड्स में जमा करते जाते हैं। ठीक है ना? और जब ज़रूरत पड़ती है, जब कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उस जमा किए हुए प्रॉफिट को, जो कि वहाँ के मालिक की प्रॉफिट है, वो उसको एज अ फाइनेंस, एज अ फंड यूज़ कर लेते हैं और उसी कंपनी में वापस से इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये कहलाता है रिटेन्ड अर्निंग्स, माने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट है, मालिक का ही प्रॉफिट है, बट उन्होंने अभी लिया नहीं है, उस प्रॉफिट को जमा करके रख दिया है। तो इस तरह से जो भी फंड रेज होता है वो कहलाता है ओनर्स फंड। सेकेंड वन इज बोरोड फंड, यानी जो लिया गया फंड हो, जो बाहर के लोगों से या बाहर की एजेंसीज से, बाहर के कॉरपोरेशन से जो फंड लिया गया हो, वो कहलाता है बोरोड फंड। यानी एक तरह का ये डेप्ट होता है। ठीक है ना? ये डेप्ट कैपिटल होता है, यानी कर्ज होती है, हमारी लाइबिलिटी होती है, हमें देना होता है ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, इसको वापस लौटाना होता है जिससे भी हमने ये फंड लिया हो। इसमें एग्जांपल्स में आ जाएगा, बेसिकली लोन्स आ जाएंगे, चाहे वो बैंक से लिया गया हो या फिर किसी एजेंसी से लिया गया हो। पब्लिक डिपॉजिट्स भी इसमें आते हैं, डिबेंचर्स भी बोरोड फंड के ही एग्जाम्पल्स में आते हैं। नाउ अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंशिएशन जानते हैं कि दोनों कैसे आपस में डिफरेंट होते हैं। ओनर्स फंड रेफर्स टू द फंड कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर्स और फ्रॉम रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, ओनर्स फंड क्या होता है, जो कि वहां के ओनर्स के द्वारा कंट्रीब्यूटेड हो, लाया गया हुआ हो। बट बोरोड फंड क्या होता है, वो ओनर्स से नहीं लिया गया हुआ होता है। इट रेफर्स टू द फंड बोरोड फ्रॉम अदर्स इन द वे ऑफ लोन और क्रेडिट टू मीट रिक्वायरमेंट्स। कंपनी की जो भी आवश्यकता होती है उनको पूरा करने के लिए जब हम बाहर के लोगों से पैसा लेते हैं, तो क्या कहलाता है, वो बोरोड फंड कहलाता है। जैसे हम सबको पता है कि जब कंपनी का स्टार्टअप होता है, तो हर मेंबर, हर कंपनी का मालिक क्या करता है, कुछ फंड रेज करता है, चाहे वो शेयर कैपिटल के रूप में हो, ठीक है ना, चाहे वो अपना अपना इन्वेस्टेड फंड्स हो, वो क्या कहलाता है, वो ओनर्स फंड कहलाता है। बट कभी कभी शॉर्ट टर्म में क्या होता है, कंपनी को कुछ और पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो कंपनी क्या करती है, मार्केट से पैसा लेती है, चाहे वो डिबेंचर के फॉर्म में हो, ठीक है, चाहे वो लोन के फॉर्म में हो, कंपनी क्या करती है, बाहर के लोगों से, माने मार्केट से पैसा लेती है। तो जब कंपनी बाहर के लोगों से पैसा लेती है, तो वो बोरोड फंड कहलाता है, और जब कंपनी के मालिक पैसा लगाते हैं कंपनी में, तो वो ओनर्स फंड कहलाता है। ओनर्स फंड इज अ सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल टिल द कंपनी एग्जिस्ट, यानी जब तक कंपनी रहेगी, उसके मालिक ने जो भी पैसा लगाया है, तब तक उस कंपनी में वो पैसा रहेगा। ठीक है ना? लेकिन बोरोड फंड में ऐसा नहीं होता है। इट इज अ सोर्स ऑफ फंड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। बोरोड फंड जो होता है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर या फिर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल। ठीक है ना? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, तीन तरह के टर्म पे डिवाइडेड होता है बोरोड फंड। नाउ थर्ड वन इज नो सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड
फॉर ओनर्स फंड। ओनर्स जब कंपनी के मालिक जब अपना उसमें पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या कोई सिक्योरिटी भी देते हैं? नहीं देते हैं। जब हम किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे होते हैं तो क्या हमें कोई सिक्योरिटी भी देना होता है? नहीं देना होता है। क्यों नहीं देना होता है? क्योंकि हम वहाँ के मालिक होते हैं, शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक होते हैं, हम सभी को पता है। तो वो मालिक जब पैसा लगाता है तो उसको कोई सिक्योरिटी साथ में नहीं देनी पड़ती है। बट अगर आप किसी से लोन लेंगे, अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, तो आपको कुछ सिक्योरिटी देनी होती है। तो उसी तरह से कंपनी के भी केस में होता है, जब कंपनी का मालिक पैसा लगा रहा होता है तो उसको कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर जब कंपनी किसी बाहर के लोग से पैसा ले रही होती है, मार्केट से पैसा उठा रही होती है, तो उसको जनरली कुछ ना कुछ एसेट के रूप में कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है, ताकि जो भी उसको फंड दे रहा है वो सिक्योर्ड हो कि ठीक है, अगर मुझे पैसा भी नहीं मिलता है तो मैं इस चीज़ उसने जो सिक्योरिटी के रूप में मेरे पास रखाया है, मैं उसको वापस नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ओनर्स फंड में कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, जबकि बोरोड फंड में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वन इज द फंड कंट्रीब्यूटेड आर जनरली ओनर्स ऑफ द कंपनी और कंट्रोल द कंपनी। जो भी फंड कंट्रीब्यूटर्स होते हैं ओनर्स फंड के, वो जनरली कंपनी के ओनर्स ही होते हैं और वही कंपनी को चलाते भी हैं, ठीक है। जैसा कि इसका नाम है, जैसा कि ये नाम सजेस्ट कर रहा है, ओनर्स फंड, तो इसके जो मालिक होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं और कंपनी को कंट्रोल भी करते हैं। लेकिन जो बोरोड फंड के जो ओनर्स होते हैं, ठीक है ना, यानी जिनसे हमने बोरोड फंड लिया है किसी आउटसाइडर से, यानी उसका आउटसाइडर ओनर है, उसका कंपनी के कंट्रोल से कोई मतलब नहीं होता। वो कंपनी को कंट्रोल नहीं करता है, कंपनी को कंट्रोल करता है कौन? कंपनी का मालिक। बट जो बोरोड फंड जिनसे लिया जाता है वो कंपनी के मालिक नहीं होते हैं, वो कंपनी के आउटसाइडर्स होते हैं। तो इस तरह से उनका कंपनी के कंट्रोल पे कोई राइट नहीं होता है, दे डू नॉट हैव एनी राइट टू द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी होल्डर्स हैव नो राइट टू गेट रेगुलर रिटर्न्स। कंपनी में ओनर्स फंड कौन लगाया? वहाँ के ओनर्स, हमें पता है। तो उनका कोई हक नहीं होता है कि उनको रेगुलर रिटर्न मिले, ठीक है। रेगुलर रिटर्न, उनको प्रॉफिट मिलती है, प्रॉफिट रेगुलर नहीं होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट मिलती है, प्रॉफिट कभी रेगुलर नहीं होता है। तो इस तरह से उनको कोई राइट नहीं होता है, वो लड़ नहीं सकते कि मैंने अपना पैसा लगाया है इस कंपनी में तो मुझे रिटर्न चाहिए ही चाहिए। उनको रिटर्न मिल भी सकता है अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो, अगर नहीं हुआ प्रॉफिट तो नहीं भी मिल सकता है। बट जो बोरोड फंड होता है ना, उसमें एक रेगुलर रिटर्न मिलना ज़रूरी होता है। जैसे अगर हम किसी को, जैसे हम अगर बैंक से लोन ले रहे हैं तो हमें रेगुलर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने वो लोन लिया है। तो अगर कंपनी किसी से लोन ले रही है, किसी आउटसाइडर से लोन ले रही है, तो उसको एक रेगुलर रिटर्न, जो भी सिक्योरिटी होल्डर है, यानी जो भी जिससे भी उसने फंड लिया है, उसको एक रेगुलर रिटर्न देना पड़ेगा, उस सिक्योरिटी होल्डर को एक रेगुलर रिटर्न देना पड़ेगा। लास्ट वन इज दीज सिक्योरिटी होल्डर्स आर द प्राइमरी रिस्क बियरर्स ऑफ द कंपनी। जो भी कंपनी के ओनर्स होते हैं, अब तो हमें यह पता चल गया कि ओनर्स फंड कहाँ से रेज हो रहा है, कंपनी के ओनर्स से, और वही रिस्क बियरर्स भी होते हैं कंपनी के। अगर कंपनी को कोई रिस्क होता है तो वो रिस्क कौन उठाएगा? वही ओनर फंड के मालिक, जिन्होंने अपना ओनर फंड लगाया है, ठीक है ना, सारे रिस्क उन्हीं को उठाने पड़ेंगे। बट बोरोड फंड में ऐसा नहीं होता है, जिससे भी हमने लोन लिया है उनको कोई रिस्क नहीं होता है, उनको बस आपको उन्होंने जितना पैसा दिया है बस वो लौटाना है, कंपनी को जितना पैसा दिया है वो सिक्योरिटी होल्डर्स को लौटाना है, उनको कोई इसके अलावा रिस्क नहीं होता है। लेकिन जो ओनर्स फंड लगा रहे हैं, यानी जो कंपनी के मालिक हैं, उनको सारा रिस्क होता है, कंपनी डूबेगी तो उन्हीं का पैसा जाएगा। तो इस तरह से हमने आज ओनर्स फंड और बोरोड फंड के बीच के डिफ्रेंसीशंस को जाना। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।